हेलो दोस्तों, मैं हूं किशुन। आपका स्वागत है आजादी अमृत महोत्सव की चौथी किस्सा में। तो चलिए आज हम सुनते हैं जमुना टूडू की पूरी कहानी। पूर्वी सिंहभूम के मुटुरखम गांव की जमुना टूडू को लोग लेडी टार्जन के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में जन्मी 38 वर्षीय जमुना टूडू ने जंगल बचाने की मुहिम चलाई थी। उन्हें वन एवं पर्यावरण संरक्षण के उल्लेखनीय कार्यों के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। जमुना टूडू पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उन्होंने झारखंड के विभिन्न इलाकों में महिलाओं के कुल 300 समूह बनाए हैं, जिसे वन प्रबंधन रक्षा समिति कहती हैं। वे अपनी साथी महिलाओं के साथ झारखंड के विभिन्न इलाकों में जंगल माफियों से लोहा लेती हैं और जंगल को बचाने की कोशिश करती हैं और पेड़ों की अवैध कटाई को भी रोकती हैं। झारखंड की इस लेडी टार्जन की कहानी पर फिल्म बनाने की तैयारी की जा रही है। बॉलीवुड फिल्म निर्माता निर्देशक चिलुकुरी प्रसाद एवं कथा लेखक धर्मेंद्र बघेल ने कुछ महीनों से ही जमुना टूडू पर बायोपिक बनाने में लगे हुए हैं। जमुना टूडू के जंगल बचाने के इस अभियान की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। वे उड़ीसा के रायरंगपुर की रहने वाली हैं। उनके गांव में पेड़ पौधे बहुत कम थे, इसलिए उन्हें पेड़ पौधा का इम्पोर्टेंस महत्व मालूम था। इसलिए जब उनका शादी हुआ, वे झारखंड के पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे घाटशिला के मुटुरखम गाँव आई तो यहाँ के लोगों को जंगल को काटते हुए देखकर बेहद दुखी हुई। वे घर के बाहर में जंगल बचाने की बात करने लगी। यह बात पूरे गांव में फैल गई। जंगल से लकड़ी काटकर लाने को परंपरा और जीवन यापन का जरिया बताकर जमुना की काफी विरोध किया जाने लगा। विरोध होने के बावजूद जंगलों को बचाने का प्राण ले चुकी थी, इसलिए जमुना अडिग रही। इसके बाद उन्होंने गांव के ही कुछ महिलाओं को एकत्रित किया और उन्हें जंगल बचाने के लिए प्रेरित करने लगी। जमुना महिलाओं को पेड़ पौधे के लाभ गिनाने लगी और इस तरह से जंगल बचाने का अभियान शुरू हुआ। जमुना घर का काम खत्म कर अपनी महिला साथियों को लेकर जंगल में जाती और वन माफियों को जंगल से भगाती। माफिया से लड़ने और गांव के आसपास के 50 हेक्टेयर के जंगल की रक्षा करने के लिए वे और उनकी महिला साथी तीर धनुष डंडे लेकर जंगलों में पहरा लगा देती थीं। शुरू में जहां इस मुहिम में उनके साथ सिर्फ 5-6 महिलाएं थीं, वहीं अब उनके साथ पूरा गांव हो गया है। 2004 में उन्होंने वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति बनाई, जिससे गांव की 60 महिलाएं जुड़ी। अब उनकी समिति की 300 से ज़्यादा शाखाएं हैं। जमुना टूडू ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसका प्रमाण है कि एक समिति में कई महिला सदस्य का होना, ये सभी महिलाएं जंगलों में गश्ती कर पेड़ पौधों को बचाने का प्रयास करती रहती थीं। जमुना और उनकी टीम अपनी जान पर खेलकर भी पेड़ों की रक्षा करती हैं। वनों को काटने से बचाने के साथ साथ यह समिति नए पौधे लगाकर जंगलों को सघन कैसे बने यह में भी काफ़ी योगदान देती हैं। 20 वर्षों में उन्होंने झारखंड के 300 गांवों में 50 एकड़ से अधिक जंगल बचाए हैं। यही नहीं, झारखंड सशस्त्र पुलिस उसके साथ जंगलों की सुरक्षा में काम करती हैं। जमुना टूडू को 2014 के श्री शक्ति पुरस्कार और 2013 के गॉडफ्रे फिलिप्स बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतने में ही आज की जमुना टूडू की बातों को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ इसी तरह नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अगला, तब तक के लिए जोहार।